हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीवी फैक्ट्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको रशिया का एक क्षेत्र है कबार्डिनो बाल्कैरियन, जो कि रशिया और जॉर्जिया के बॉर्डर पर पड़ता है। दोस्तों, आज हम आप इस क्षेत्र के गांव को घुमाएंगे और साथ में दिखाएंगे जो रशिया का जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है एक तरफ से आप कहिए, यहाँ का जनजीवन और यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं और जीवन जीने की क्या शैली है, किस चीज़ पर ये लोग निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का रशिया का ये गांव और ये पूरा जो बॉर्डर वाला एरिया है जो जॉर्जिया से बिल्कुल सट के है। तो आप देख सकते हो, अभी हम इस गांव को देख रहे हैं, ये इस गांव के घर हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। और ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो आपको यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ मिलेंगे और पहाड़ पे इन लोगों ने अपने घर बना रखे हैं और यहीं से अपना जीवन ये जीते हैं। और हम वीडियो में पूरा देखेंगे कैसे यहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं। और अभी आप देख रहे हो, हम आपको पूरा गांव घुमा रहे हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर है, काफ़ी हरा भरा है जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि जो रशिया के जो बॉर्डर वाले एरिया यहाँ पे आबादी बहुत ही कम है। और लेकिन इन गांव वालों के पास ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रशिया बहुत ही बड़ा देश है और बॉर्डर पर आबादी बहुत ही कम होने के कारण इनके पास काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं। और अधिकतर ये लोग अपने जो इनके पास जीने का जो पूरा एक साधन है, ये पशुपालन के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे खेती बाड़ी कम है और ये यूँ कहिए कि थोड़ा सीमित है, इसलिए ये लोग पशुपालन पर ज़्यादा निर्भर हैं। और पशुपालन पर गाय पालन बहुत ज़्यादा करते हैं और गायों के साथ साथ भेड़ों को ये लोग बहुत ज़्यादा पालते हैं। तो सुबह का समय है अभी, आप देख सकते हो, और ये लोग अपने गायों को चराने के लिए अपने खेतों में ले या फिर नज़दीक के जो भी जंगल है वहाँ पे ले जा रहे हैं। एक तरफ से ये यहाँ के जंगल ही हैं, लेकिन यहाँ के जंगल एक तरफ से बिल्कुल खेतों की तरह ही होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा इतने घने नहीं होते। तो ये गायों के लिए हरे चारा का यहाँ पे आसानी से मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इन्हीं जो आसपास लोगों ने अपने पशु के लिए चारा इकट्ठा करने के लिए वो झोपड़ी टाइप के वो बना रखे हैं, ताकि यहीं से वो घास काट सकें और इन्हीं खेतों में ये लोग जमा भी कर सकें। और जैसे ही वो सूख जाती है तो उनको ये उठा के अपने घरों में ले जाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, एक एक किसान के पास यहाँ पर 50 से 100 गाय होना बहुत ही आम बात है। और जो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुहाना सा दृश्य है। और ये लोग सुबह होते ही अपने पशुओं को सबसे पहले नज़दीक के खेतों में और आसपास के खेतों में ले जाते हैं, ताकि यहाँ के जो पशुपालन है और इनकी गाय हैं आराम से अपना ये पौष्टिक आहार, जो कि इनको यहाँ पे फूल पत्तियाँ हरी घास आसानी से मिल जाती हैं। तो जो रशियन के जो ये कंट्री साइड या फिर जो विलेज के जो गांव हैं, इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन से ही आता है। पशु में ये लोग गायों को बहुत पालते हैं और भेड़ों को, इनसे इनको दूध की मात्रा मिलती है और दूध से ही लोग पनीर, चीज़, मक्खन आदि का व्यवसाय करते हैं, इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं पशुपालन पर। जैसे ही सुबह के टाइम ये अपने पशु को खोलते हैं, फिर दिन के आते आते ये लोग अपने पशु को अपने घरों में वापस ले आते हैं। और एक बार इनका ये काम ख़त्म हो जाता है तो ये अपने गांव अपने दूसरे कार्यों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि किसी के खेतों में कुछ काम होगा, घरों के दूसरे कार्य होंगे उसकी तरफ। तो एक झलक दोस्तों देखते हैं कि जो रशियन के ये वाले गाँव हैं, यहाँ पर दूसरे क्या क्या काम होते हैं। तो जैसे ही सुबह होगी, उसके बाद ये लोग अपने खेतों में जो भी, जैसे मैंने आपसे बताया था कि ये लोग अपने ज़रूरत के अनुसार जितनी भी इनको घास चाहिए तो घास काटने का काम स्टार्ट होता है इनका। आप देख सकते हो यहाँ पे आराम से खेतों में इनको घास काटी जा रही है, और घास काटने के बाद ये उसी घास को वहीं पर छोड़ देते हैं ताकि वो सूख जाए। अभी आप देख सकते हैं इनको घास कटी हुई घास को सुखाया जा रहा है और ये पलट रहे हैं। और उसके बाद ये जिस तरह से इन्होंने झोपड़ी टाइप की बना रखी हैं, इन घासों को उस पर बांध देते हैं और ये आराम से इनको बाद में यूज़ कर सकते हैं जब भी इनको ज़रूरत होती है। पूरा जो गांव है, ये पूरा जो पूरा क्षेत्र है रशिया का बॉर्डर वाला क्षेत्र, पशुपालन और ये खेती बाड़ी के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर है। जैसे कि आप भारत के गाँव पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी सेम यही चीज़ होती है, पशुपालन और खेती बाड़ी के ऊपर ही निर्भर होते हैं। यहाँ पर अधिकतर जो है आप कहिए 80% पशुपालन के ऊपर है और बाकी
खेती बाड़ी या दूसरे कामों के ऊपर। एक बार जैसे ये घास वास काट लेते हैं तो ये रोज की दिनचर्या है, उस कटी हुई घास को ये लोग अपने घरों में वापस लाते हैं और इनके पास लाने के लिए घोड़ा गाड़ी और दूसरे साधन होते हैं जिनका ये उपयोग करते हैं। तो आप देख सकते हो पूरा गांव ये हरा भरा बहुत ही सुंदर है। अब दिखाते हैं आपको यहाँ के दूसरी गतिविधियाँ जो इस गांव में यहाँ के लोग क्या करते हैं अपने पूरे एक दिन की चर्या में। तो यहाँ पे अभी ये लोग जो भी इनके पास खेत हैं, जो भी सीमित मात्रा में खेत हैं, वहाँ पर ये अपने काम चलाने लायक खेतीबाड़ी करते हैं ताकि अपने जीवन को जीने के लिए जो भी ये उगा सकें वो उन खेतों में उगाते हैं। तो अभी यहाँ पे ये आलू की खेती हो रही है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे खेत नहीं होते, ट्रैक्टर भी काफ़ी छोटे होते हैं इनके, लेकिन जितना भी इनको अपने के लिए चाहिए होता है ये लोग उगाते हैं। और इसी तरह से ये लोग दूसरे जो इनके काम होते हैं जो कि पशुपालन से ही मिलते जुलते हैं, जैसे कि जितने भी इनके पशुओं से ये लोग चीज़ बनाते हैं, पनीर या मक्खन, उस चीज़ का व्यवसाय होता है। तो गांव के अधिकतर लोग यहाँ पर चीज़ का बहुत ही बड़ी मात्रा में ये लोग उत्पादन करते हैं और फिर उनको नज़दीकी के मार्केट में जो इनके यहाँ पर फार्मर मार्केट होते हैं वहाँ पर जाकर बेचा जाता है और उनसे इनको बहुत ही अच्छी आमदनी होती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है और किस तरह से ये लोग दूध से जो चीज़ होती है एक तरह से पनीर की तरह ही होता है लेकिन हल्का सा डिफरेंट होता है, उसको यहाँ पे बनाया जा रहा है और बनाने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है और फिर इनको जो भी इनके ये जो डब्बे हैं ढक्कन हैं उनमें पैक करके फिर नज़दीकी मार्केट में ये लोग बेचते हैं। तो दोस्तों एक बार ये सारा काम हो जाए तो शाम जो भी इनके दूसरे काम होते हैं, जैसे कि शाम के टाइम इनके पास जो इनकी भेड़े होती हैं अपनी भेड़ों को ये लोग चराने के लिए ले जाते हैं और भेड़ों को चराने के लिए ये लोग अपने जंगल की तरफ जाते हैं, क्योंकि भेड़ इनके पास बहुत ही बड़ी मात्रा में होती हैं, एक एक के पास 100-150 से कम भेड़े नहीं होती, इसलिए उनको चारे के लिए बहुत ज़्यादा घास चाहिए होती है। तो इनको ये ऊपर की तरफ ले जाते हैं जो इनके पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हो पूरे ये रशिया का और जॉर्जिया का बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है और रशियन जो ये विलेजर्स हैं अपने पशुओं को उन पहाड़ियों में चराते हुए। तो दिनचर्या दोस्तों यही है कि सुबह होते ही ये लोग अपने पशुओं के काम में लग जाते हैं, खेती बाड़ी के काम में लग जाते हैं, फिर एक बार ये लोग वापस आते हैं, फिर शाम के टाइम दोबारा वही काम स्टार्ट होता है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।